ऑडिट। अब ये क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। तो कौन से सिद्धांत यहाँ बात कर रहा है, बुनियादी सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट, तो यहाँ क्या हो गया, ये बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट क्या है, ये ऐसे बेसिक रूल्स हैं या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें ऑडिटर को फॉलो करना होता है, ठीक है, ऑडिट करते समय, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल्स विच आर टू बी फॉलोड बाय द ऑडिटर और टू बी केप्ट इन माइंड बाय द ऑडिटर वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो चलिए, पहला इसमें क्या है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, तो इसमें क्या आ गया, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है, अखंडता, ठीक है, ईमानदारी। ऑब्जेक्टिविटी कि वो एकदम निष्पक्ष होके जांच करेंगे, ठीक है, किसी के फेवर में नहीं जाएंगे। स्वतंत्र, फिर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र, ठीक है, वो निर्भर नहीं होके कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पे वो डिपेंड नहीं हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। मॉनिटरी स्टेक उनका ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है कि ना हो ऑडिटर का, ठीक है, या कुछ लिमिट्स है जो कि हम लोग आगे देखेंगे जब ऑडिटर के ऊपर हम लोग चैप्टर करेंगे। तो इंटीग्रिटी, अखंडता, निष्पक्षता और स्वतंत्र रूप से जांच कर सके वो, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, गोपनीयता। तो ऑडिटर क्योंकि ऑडिट करते समय बहुत सारी जानकारी, सीक्रेट्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग प्रोसेस के बारे में पता चलता है, ठीक है, तो बहुत सारी जानकारी हो जाती है ऑडिटर को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये एक प्रोफेशनल कोड है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए होता है कि वो लीक नहीं करेंगे बात जो ऑर्गेनाइजेशन का है बाहर में, ठीक है। बहुत रिस्ट्रिक्टेड केसेस में ही बताया जाता है, जब लॉ, जहाँ जहाँ लॉ बोलती है कि अभी आप बोल सकते हैं तो भी बोल सकते हैं। मतलब आमतौर पे ऑडिटर बाहर में ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स का खुलासा नहीं कर सकते हैं। थर्ड है स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस क्या हो गया, ठीक है, कि जैसे हम जानते हैं कि ऑडिट कौन करते हैं, सीए इन प्रैक्टिस। अब सीए इन प्रैक्टिस क्या होते हैं, वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिनके पास क्या हो, सीओपी हो, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, अब सीए बनने के लिए क्या करना पड़ता है, सीए बनने के लिए जितने भी सीए के एग्ज़ाम्स है वो पास करना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स हो गया, फिर ट्रेनिंग होता है, ठीक है, आर्टिकल बन के काम करना पड़ता है। फिर इसके अलावा कुछ कोर्सेस होते हैं, कंपलसरी होते हैं, वो भी करना होता है, जैसे ओरिएंटेशन कोर्स करना होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग होता है, कंप्यूटर का ट्रेनिंग हासिल करना होता है। इसके अलावा जीएमसीएस, जनरल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब जो भी मैंडेटरी है प्रोग्राम्स वो करना होता है, प्लस अपडेट भी होना होता है, ठीक है, कि रिसेंट रूल्स क्या है ऑडिट पर, अकाउंटिंग पर, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर। तो स्किल्ड रहना होता है ऑडिटर को और क्षमतावान रहना होता है, ठीक है। फिर वर्क, तभी ऑडिट अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो स्किल एंड कॉम्पिटेंस का ज़रूरत है ऑडिटर बनने के लिए। फिर वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स, अब ये वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स में क्या है, अच्छा, जैसे ऑडिट मिलता है किसी सीए इन प्रैक्टिस को या फर्म को, सीए फर्म को, आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन कर सकते हैं। तो ये ऑडिट का डेलीगेशन होता है, ठीक है, ऑडिट स्टाफ में ये चला जाता है। ऑडिट स्टाफ में कौन कौन आ गए, ठीक है, और सी क्या होते हैं कि आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो अभी सीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर कुछ एम्प्लॉयज़ भी रखते हैं ऑडिटर्स, ठीक है, जो उनके लिए ऑडिट वाला काम करते हैं या अकाउंटिंग वाला काम करते हैं। और इवन पार्टनर्स हैं, सीए पार्टनर्स हैं, जो खुद सीए हैं, तो वो भी जाके वहाँ पे ऑडिट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ऑडिटर हमेशा पर्सनली हो सकता है प्रेजेंट ना हो वहाँ पे, ठीक है, ऑडिटर पर्सनली प्रेजेंट ना हो ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट के लिए। कभी कभी वो जा सकते हैं सरप्राइज टेस्ट के लिए या देखने के लिए कि सही से काम चल रहा है कि नहीं, या उनसे डिस्कशन करने के लिए। लेकिन पूरा जिम्मेदारी हर समय किसका होता है, जिनको ये ऑडिट मिला होता है उन्हीं का होता है, चाहे काम उनके स्टाफ ही क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। तो पूरा जिम्मेदारी इन्हीं का है, ठीक है, जिनको ऑडिट मिला है। फिर डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटर को
जो भी काम वो कर रहे हैं, ठीक है, उसका वो क्या करते हैं, वर्किंग पेपर्स बना के रखते हैं, ठीक है, ऑडिट नोटबुक में रिकॉर्ड करके रखते हैं किस तरह से उन्होंने ऑडिट किया किया है या कर रहे हैं, उसके लिए ऑडिट प्रोग्राम रहता है, तो इस सब ये सब का डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखते हैं, ताकि और इसी में वो रिकॉर्ड भी करते हैं, ठीक है, क्या क्या ऑडिट एविडेंस जो कि हमारा बाद में पॉइंट है वो कलेक्ट किए हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको अगर बोला जाए कि क्या आपने सही में काम किया है, अच्छे से काम किया है, तो वो उससे भी दिखा देंगे, ठीक है, वर्किंग पेपर से भी, और प्लस उनको ओपिनियन फॉर्म करने में भी मदद करता है, क्योंकि बाद में उनको ऑडिट रिपोर्ट बनाना है, तो उनके पास सारे जो उनके द्वारा एविडेंसेस कलेक्टेड है और जो पेपर्स मेंटेन्ड है उनके बेसिस पे वो देखते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन सही से काम कर रही है कि नहीं, और क्या क्या इश्यूज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, प्लानिंग। ठीक है, ये प्लानिंग क्या है, ऑडिट प्लानिंग। ये ऑडिट प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ऑडिटर्स क्या करते हैं मेनली, कि वो ऑडिट का प्लान करते हैं, ठीक है, किस तरह से ऑडिट हम लोग करेंगे, ठीक है, क्या प्रोसेस रहेगा ऑडिट प्लानिंग का, ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ऑडिट प्लानिंग में क्या क्या आता है, क्या कैसे उसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, ये सब होता है, कैसे करना है हमको, ठीक है, किसी भी चीज़ को करने से पहले जो प्लानिंग करते हैं, तो यहाँ पर प्लानिंग क्या है, ऑडिट प्लानिंग, फिर ऑडिट एविडेंस, ठीक है, ऑडिट एविडेंस, जो भी एविडेंस ऑडिट ऑडिट के दौरान कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, ऑडिट एविडेंस हो गया। फिर क्या है, ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। तो ऑडिट एविडेंस मेनली क्या हो गया कि जो भी एविडेंसेस ऑडिटर कलेक्ट करते हैं ऑडिट के दौरान, ठीक है, जिससे वो अपने कंक्लूजन पे रीच कर सके, मतलब निष्कर्ष पे पहुंच सके, जिससे क्या कर सके, ओपिनियन दे पाए, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट बनाना होता है उसमें ओपिनियन दे पाए, ठीक है। फिर अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, अकाउंटिंग जो हो रहा है सही से काम हो रहा है कि नहीं, और ट्रू एंड फेयर व्यू ऑर्गेनाइजेशन का मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, रिकॉर्डिंग प्रोसेस ठीक है कि नहीं, ठीक है, कहीं अगर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है तो सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल का हमने ऊपर बात किया था, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल होते हैं, तो ऊपर में हमने डिटेल में बात किया था इसके ऊपर, ठीक है, कितना हद तक ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड कर ऑडिटर डिपेंड करेंगे उसके लिए वो चेक करते हैं, इंटरनल कंट्रोल पर क्या हम डिपेंड कर सकते हैं, और डिपेंड कर सकते हैं तो कितना डिपेंड कर सकते हैं, कितने हद तक एक्सटेंड क्या है, ठीक है। फिर ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग में क्या होता है लास्ट में, अब सब हम करेंगे, तो फिर ऑडिट का कंक्लूजन क्या निकला, मतलब ऑडिट एविडेंसेस जो हमने कलेक्ट किए उसका क्या कंक्लूजन निकला है, तो उसके बेसिस पे ऑडिटर क्या ओपिनियन अब देने देंगे, ठीक है। और फिर रिपोर्टिंग में क्या होता है कि ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं ऑडिटर, जिसमें वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं अंकेक्षक, जिसमें वो अपनी राय देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, और किसी पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में, ठीक है, जहाँ पे जो भी मटेरियल चीज़ें हैं उनके बारे में बताते हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट पे हमारा बाद में एक चैप्टर भी है, ठीक है, तो उसको हम लोग डिटेल में भी करेंगे, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। तो ये हिंदी वालों के लिए हो गया, यहाँ पे आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं, और जितना भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है वो भी आप कोशिश करेंगे कि आप उसको लिख पाएँ और लिख के समझ पाएँ, और प्लस आप इंटरनेट पे भी सर्फिंग ज़रूर करिएगा, इंटरनेट पे भी खोजिए जहाँ भी आपको डाउट होता है, ठीक है। फिर टेक्निक्स